तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह नजारा फरीदाबाद के नीम का गांव का है, जहां पर 26 गांव को निगम में शामिल किए जाने को लेकर पंचायत का आयोजन किया गया। इस बीच ग्रामीणों ने हुंकार भरते हुए कहा कि 26 गांव को निगम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कदम क्यों न उठाना पड़े। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने कहा कि वो लगातार सरकार के मंत्री और विधायकों से मुलाकात कर रही हैं और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है कि उनके 26 गांव को निगम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने ये भी बताया कि गांव को निगम में शामिल होने के बाद गांव की स्थिति खराब हो जाएगी, गांव के क्षेत्र में किसान पशुपालन भी नहीं कर पाएंगे। 26 गांव नगर निगम में लिए जा रहे हैं, ये पूरा हमारा गांव नीम का और अड़ोस पड़ोस के जो 26 गांव हैं आज यहाँ सभी उपस्थित है और ये 26 के 26 गांव नगर निगम का विरोध कर रहे हैं और पंचायत राज का समर्थन करते हैं। जो हमारे गांव में पंचायतें अब तक चली आ रही थी, ये हमारे गांव पंचायत राज ही चाहते हैं कि हमारे जो पंचायत है वो सक्षम है हमारे विकास कार्य कराने में। यदि पंचायत राज रहेगा तो इनका जीवन खुशहाल रहेगा, नगर निगम आते ही ना हमारे विकास कार्य रुक जाएंगे। हमारी पंचायत आज नीमका गांव में और तमाम अड़ोस पड़ोस के गाँव के लोग भी प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। ये जो 26 गाँव को नगर निगम में लिया जा रहा है उसके विरोध में ये पंचायत है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव नगर निगम में ना लिए जाएं और ग्राम पंचायतें ही हमारे गांव में सुशासन को लागू करें। बता दें कि सरकार ने फरीदाबाद के 26 गांव को नगर निगम में शामिल करने की योजना बनाई है, जिससे गांव के सभी लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं और विधायकों मंत्रियों से मिल अपनी समस्या बता रहे हैं। सत्य खबर के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।